अमेरिका को यूक्रेन की हार का डर सता रहा है। यूक्रेन की हार में अमेरिका की हार, यह सबसे बड़ा डर है इस समय अमेरिका का। वहीं पुतिन ने अब प्रलय लाने वाले 1500 किलो के बम से यूक्रेन पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। हम आपको ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनके बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं, हम उन मिसाइलों के बारे में भी बता रहे हैं जो दगादग यूक्रेन इस समय यूक्रेन पर दागी जा रही है रूस की तरफ से, और पलटवार करने के लिए जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइलें खत्म हो रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह प्रलय बम है क्या, और क्या यह प्रलय बम पलटेगा रण। पुतिन के प्रलय बम से हाहाकार, युद्ध का रुख पलटने वाला वार। 1500 किलो का बम, यूक्रेन बेदम। चार सौ दिन से ज्यादा खींच चुके युद्ध को पुतिन अब और ज्यादा खींचना नहीं चाहते। उन्होंने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है कि यूक्रेन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन ने कह दिया है कि रूस के इस वार का उसके पास कोई जवाब नहीं। आखिर पुतिन का वो प्रलय बम क्या है, वो देखिए। यह है रूस का 1500 किलो वजन वाला UPAB-1500B बम। अब आर या पार नहीं, इस बम के हमले से पुतिन फुल एंड फाइनल वार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के जानकार मानते हैं कि तबाही मचाने के लिए इसके जितना खतरनाक दूसरा कोई और गैर परमाणु बम नहीं है। जब नाटो देशों की मदद से यूक्रेन ने युद्ध को 400 दिनों से ज्यादा तक खींचा तो पुतिन ने इस ब्रह्मास्त्र को चलाना शुरू कर दिया है। पुतिन इस प्रलय बम को दागते जा रहे हैं, वहीं यूक्रेन त्राही त्राही कर रहा है। 1500 किलो का यह बम जहां गिरता है वहां 50 मीटर तक कुछ नहीं बचता। इतनी बड़ी खाई खुद जाती है कि दुश्मन को वो पाताल में भेज देती है। रूस का दावा है कि 15 किलो के इस बम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं यूक्रेन ने माना है कि उसके पास कोई हथियार नहीं जो इस बम को या इसे गिराने वाले विमान को मार गिराए। इसके विंग्स हैं, GPS नेविगेशन है, और 50 किलोमीटर दूर से ही रूसी विमान इसे सटीक निशाने पर गिराकर लौट जाते हैं। यूक्रेन का कहना है कि इस प्रलय बम से निपटने के लिए उसे पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए। रूस इस प्रलय बम से यूक्रेन के पुलों और बंकरों को तबाह कर रहा है। वहीं यूक्रेन ने अमेरिका से F-16 जैसे लड़ाकू विमान मांगे हैं ताकि वो रूसी विमानों को बम गिराने से पहले ही तबाह कर सके। यूक्रेन का दावा है कि हाल के दिनों में रूस 1500 किलो के इस बम का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहा है। यही नहीं, रूस में इस बम का प्रोडक्शन इतना हो रहा है कि वो न केवल अनगिनत दिनों तक इसे यूक्रेन पर गिराता रहेगा बल्कि एक खरीदार देश को भी इसकी सप्लाई कर रहा है। ग्लाइड बम के नाम से मशहूर 1500 किलो के इस बम को रूस ने सुखोई 30, सुखोई 34 या सुखोई 35 फाइटर यूक्रेनी वायुसेना में दाखिल हुए बिना ही गिरा रहे हैं। विमान के गिराने से पहले विमान की ऊंचाई 14 किलोमीटर हो तो यह बम सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। सैटेलाइट ट्रैकिंग और नेविगेशन सिस्टम की वजह से ये बम ठिकाने पर सटीक वार करता है। इतना ही नहीं, गिरने से पहले ये जरा भी आवाज नहीं करता, लिहाजा भनक तक नहीं लगती। रूस ने यूक्रेन पर इस बम का वार अब अंधाधुंध शुरू कर दिया है, लेकिन इसका पहला वार पिछले साल मार्च में किया गया था। रूस ने इसका वीडियो भी जारी किया है। लेकिन हाल के दिनों में यूक्रेनी शहर अवदिवका में रूसी हमलों से जैसी तबाही मची है, इससे अंदाजा लगा कि रूस 1500 किलो के प्रलय बम का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के चेर्निगोव में इसी बम के इस्तेमाल से रूस ने उस पुल को उड़ा दिया जिससे यूक्रेनी ब्रियांस्क की तरफ जा रहे थे। जहां तक रूस की बात है तो जानकार मानते हैं कि पुतिन के पास दुनिया को एक दो नहीं कई बार तबाह करने की ताकत है। वहीं इस युद्ध को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समझने की भूल करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है।
दरअसल ये युद्ध रूस और अमेरिका के बीच है। ये सुपर पावर की जंग है जिसमें न अमेरिका हार मानने को तैयार है न रूस। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का फैसला बाइडेन के यूक्रेन दौरे पर ही कर लिया था, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पुतिन यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे, वो नाटो से भी भिड़ेंगे जो उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। आज तक ब्यूरो।